हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से एग्जामिशन की तैयारी कर रहे होंगे तो ये पार्ट टू वीडियो सीरीज जिसमें कि हम लोग सिक्सटी फिफ्थ मेन्स क्वेश्चन बीपीएससी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज से जितने भी अभी तक नाइन्टीज के बाद मतलब पंद्रह से बीस सालों के बीच में कमीशन्स ने बीपीएससी एग्जाम बोर्ड ने जब तक से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सबके बारे में डिस्कस कर रहे हैं आपको एक वीडियो में देने की कोशिश कर रहे हैं ओके सो इससे पहले हम लोग ने आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम द बिहार हिस्ट्री से वो क्वेश्चन जीएस पेपर वन का वो पार्ट था क्या क्वेश्चन आते है? हर साल ये क्वेश्चन आते हैं उससे डिस्कस किया अगर आप लोग आपने उसने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से आप देख सकते हैं तो ये पार्ट टू है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मूवमेंट जितने भी ट्रिबल मूवमेंट्स हुए हैं बिहार में और एक्सपेक्टेड उस समय उस जो भी मूवमेंट हुए हैं सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा सेवन टू एट क्वेश्चन है और जो कि इसमें से अगर देखा जाए तो दो तीन क्वेश्चन जो होंगे जो कि हमेशा वो ही क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में अलग मॉडल्स में अलग उसको प्रेजेंट करके कमीशन पूछता है वही हम देखेंगे समझने की कोशिश करेंगे अगर ये क्वेश्चन आपने रिविजन कर लिया और प्रैक्टिस कर लिया देन ये क्वेश्चन एक मतलब इससे क्वेश्चन आता ही आता है ठीक है ट्रिबल मूवमेंट से तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिबल मूवमेंट संथाल अपराइजिंग एंड बिरसा मूवमेंट से रिलेटेड अभी तक कमीशन ने किया किस टाइप के क्वेश्चन किस किस तरह के क्वेश्चन अभी तक उसने पूछा हुआ है ओके तो वो सब हम लोग इसमें इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मेन काउजेज ऑफ संथाल अपराइजिंग अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है काउजेज कारण संथाल अपराइजिंग का कारण क्या था और उसका सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है कि वाट वेयर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज उसके बाद में उस

अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू द अंडरलाइनिंग ऑब्जेक्ट ऑफ बिरसा मूवमेंट वाज इंटरनल प्यूरिफिकेशन एंड डिजायर्ड टू रिमूव द एलियन गवर्नमेंट एक्सप्लेन अब देखिए इसमें क्वेश्चन है ये बिरसा मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है ओके okay, ये पूछा था अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वो जो मूवमेंट था वो बेसिकली इंटरनल प्यूरिफिकेशन और uh,

विदेशी सरकार को हटाने की इच्छा थी ठीक है तो उसको आपको समझाना है इसे समझाएं तो एक ये क्वेश्चन था नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन देखिए डिस्कस द काउजेज एंड रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ संथाल जो अब जो रिवोल्ट संथाल जो हुआ उसका मेन काउजेज और रिजल्ट क्या हुआ देखिए संथाल का ये क्वेश्चन हुई घुमा के थोड़ा सा

संथाल अपराइजिंग प्रोवाइड्स ए मॉडल ऑफ पॉपुलर आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनील इन इंडिया एक्सप्लेन ठीक है संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लोकप्रिय सशस्त्र प्रतिरोध का एक मॉडल प्रदान करता है ठीक है वो एक सशस्त्र प्रतिरोध का एक मॉडल प्रदान करता है और किस तरह करता है यहाँ आपको समझ आना है इस क्वेश्चन में उसी चीज को पॉपुलर आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश कैसे वो हुआ किस तरह वो मॉडल रिप्रेजेंट करता है कि पॉपुलर रेजिस्टेंस था फेस किया अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनिज्म के तार। उस चीज को इस चीज को संथाल प्राइजिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है अगला क्वेश्चन देखते हैं बिरसा प्रोवाइडेड ए न्यू रिलीजियस लीडरशिप टू द ट्रिबल स्ट्रगल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लेन अब देखिए यहाँ पे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है की बीर्ष, अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी संघर्ष को एक नया धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया था ठीक है धार्मिक नेतृत्व किस तरह हो इंटरनल प्यूरिफिकेशन लाइक क्वेश्चन में उस तरह का ऑलरेडी तो मेंशन कर दिया इस में इसमें एक स्टेटमेंट के थ्रू उसमें हम लोग को बताने की कोशिश किया है और उस चीज को हम लोग को इस क्वेश्चन में इंक्लूड करना है ओके तो उसके बारे में बताए

ठीक है क्या हुआ क्या प्रॉब्लम था उसके बाद में क्या कॉन्सिक्वेंस आया मतलब वो एक स्टेटमेंट दे दिया एंड देन वी हैव टू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट एंड वी हैव टू इलेट डिस्क्राइब दिस स्टेटमेंट ओके आपको क्रिटिक करना है उसमें लिखना है किस तरह जब बिरसा मूवमेंट जो हुआ था वो एक स्पेशल रेफरेंस हुआ टू इट्स नेचर ठीक है अपने और किस तरह एक लेसन छोड़ा वो लेसन दिया एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह लोगों ने सुधार हुआ उसमें, किस तरह उन कि स्पेशल एक, एक पास किया था ठीक है स्पेशल फॉर बिरसा ट्रिबल ग्रुप के लिए ठीक है लैंड लैंड रिवेन्यू और लैंड सिस्टम से रिलेटेड वो चीज को इसमें स्पेशल केयर के आपके साथ आपको प्रस्तुत करना है इस क्वेश्चंस के आंसर्स में उसको के? ना। इसका हिंदी वर्जन आप यहां देख सकते हैं वीडियो को पाउस करके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन ब्रीफली एक्सप्लेन ट्रिबल मूवमेंट ऑफ बिहार विद स्पेशल रेफरेंस टू बिरसा मुंडा अब देखिए अब यहां पे क्लियर क्वेश्चन है ट्रिबल मूवमेंट जो भी ट्रिबल मूवमेंट बिहार में हुआ बिहार में हुआ अब उसको स्पेशल रेफरेंस के साथ ये जो था बिरसा मुंडा जो था उस समय बिरसा मूवमेंट जो था वो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है ओके अब वो बिरसा मूवमेंट के बारे में पूरा एक्सप्लेन अब ये क्वेश्चन बिरसा मूवमेंट अब क्योंकि नवंबर टू थाउजेंड में बिहार से झारखंड अलग हुआ था और जो भी पार्ट थे पठारी थे जहाँ पे ये सब मूवमेंट हुआ था ना वो सब पार्ट चला गया अभी झारखंड में मगर फिर भी इट्स ए हिस्टोरिकली इट इज ए पार्ट ऑफ बिहार वॉज ए पार्ट ऑफ बिहार सो दिस क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे ओके इस क्वेश्चन से भागना नहीं है कि नहीं अब नहीं होगा ये नहीं आएगा आएंगे क्वेश्चन ओके okay, तो क्वेश्चन नंबर ये बोलता है बिरसा आंदोलन के विशेष के के साथ बिहार के आदिवासी आंदोलन की समीक्षा कीजिए और छोटे मोटे आदिवासी आंदोलन बिहार में हुए थे ओके okay, वो सब वो भी समीक्षा करना है उसमें एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में ओके okay? होप आपको ये अच्छा लगा होगा क्वेश्चन एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन क्योंकि देखिए इसमें इस, इस टॉप में हम लोगों ने डिस्कस किया विरसा मूवमेंट से रिलेटेड जो भी था मतलब मूवमेंट ट्रिबल मूवमेंट से रिलेटेड जो भी हुआ था बिहार के संदर्भ में तो ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता ही है तो इससे पहले एक पार्ट वन हमने डिस्कस किया था उससे भी एक क्वेश्चन आता है बिहार के आर्ट एंड कल्चर से मयूर पाल और पटना कलम ये तीन में से क्वेश्चन आना ही आना है इस क्वेश्चन ये पार्ट ऑफ वीडियो जो डिस्कस रहा इससे भी एक क्वेश्चन आपको मूवमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा बिहार के संदर्भ में आपको उसके अराउंड में क्वेश्चन आएगा और उसको करना पड़ेगा आपको ठीक है तो उसके लिए आप तैयार रहिए ये सारे जितने क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे पीडीएफ इसका आपको चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे वहां पे टेलीग्राम चैनल से फेसबुक में भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ ओके सो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तो के साथ शेयर कीजिए तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स हैव अ वंडरफुल डे ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन थैंक्स फॉर वाचिंग